जब कुरान करीम पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो। इसलिए इमाम जब अलहम्द पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, तो मुक्तदी का हुक्म है फिक्र हनफी में कि वो खामोश रहे, ना सूरह फातिहा पढ़े ना कोई सूरत पढ़े, खामोशी खामोश रहे। हत्ता के जोहर और असर में भी चूंकि इमाम पढ़ रहा है, और हजूर ने फरमाया इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। मगरब इशा फजर में बुलंद आवाज से इमाम पढ़ रहा है, चलो वो तो सुने, भाई जोहर असर में तो इमाम खामोश पढ़ रहा है फिर तो पढ़े ना। फरमाया अनसितु, अल्लाह ने फरमाया जब कुरान पढ़ा जा रहा हो खामोश रहो, फिर इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस, कानजुल ईमान सदरुल फाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा सूरह फातिहा के हाशिया में लिखा हुआ।